राजीव गांधी युवा मित्र योजना जो कांग्रेस के राज्यकाल में शुरू हुई थी, जिसको बीजेपी ने भजनलाल शर्मा की सरकार ने 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया है और आने वाला 31 दिसंबर उनके लिए आखिरी दिन होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे ज़्यादा का समय हो गया है, राजस्थान के विभिन्न अंचलों से इस कड़कड़ाती ठंड में जयपुर शहीद स्मारक पर धरना देने जो बेरोजगार युवा हुए हैं वो पहुँचे हैं। मेरे पीछे देखिए हज़ारों तादाद में कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर अड़िग है। धरने प्रदर्शन लगातार 24 घंटे ज़्यादा का समय हो गया है दिया जा रहा है, चेतावनी दे दी गई है, आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। और भजनलाल की सरकार जो है भजनलाल शर्मा की, वो कहीं ना कहीं अब टेंशन में आने वाली है, क्योंकि जब युवा बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ता है। क्योंकि युवाओं ने कल भी कहा था, आज भी कहा है कि युवा दुखी तो सब दुखी। कुछ युवा हमारे साथ बेरोजगार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक वो डटे रहेंगे, क्या उनकी रणनीति रहने वाली आगे, क्योंकि लगातार इनकी प्रतिनिधिमंडल जो है वो बातचीत करने में समर्थन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ से लेकिन उनको केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे पहले सबसे पहले कि कब से आप यहाँ, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, क्या आपकी रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अभी तक सरकार की द्वारा से कोई आपको प्रस्ताव नहीं आया है। सर, जब हम यहाँ आए तो हम एक फैसला करके आए कि हम यहाँ जब बैठ गए तो हम हमारा अधिकार लेके उठेंगे। जो सरकार रोज़गार देने का वादा करके आई थी, उस सरकार ने हमारा रोज़गार छीन लिया। हम घर से वादा करके आए, हम अपना रोटी टिफिन भी लेके आए, हम हमारी पूरी व्यवस्था करके आए और हमारा एक ही संकल्प है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम यही डटे रहेंगे। अधिकार और मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो युवाओं में आक्रोश है वो लगातार दिन प्रतिदिन हर मिनट आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये रौद्र रूप ले सकता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कुछ और भी लोग मौजूद है, सर किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? 24 घंटे का ज़्यादा समय हो गया है और 24 घंटे का समय हो चुका है और हम अभी शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारा धरना प्रदर्शन आप देख ही रहे हो, यहाँ हज़ारों की तादाद में जो युवा है वो डटे हुए हैं। आगे लोकतंत्र में जैसा है, अभी हमारी सरकार से वार्ता चल रही है, वो कैसा किस रूप में आती है उस हिसाब से लोकतंत्र में जितने भी हथियार हैं वो सब अपनाए जाएंगे। और सभी को पता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये सारे युवा साथी है, ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं हम। हमें हमारा जो हक मांग रहे हैं हम, जैसे कि विपक्ष है हमेशा ये बोलता आ रहा है कि ये किसी पार्टी विशेष के लोग हैं, पार्टी विशेष के लोग हैं। उनके भी कई आपने देखे होंगे, कई जो बीजेपी के भी लोग निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे बाहर, कि वो भी लगे हुए। राजस्थान की जो भी सरकार है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे केंद्र में बैठी है तो सरकारी अधिकारी भी है, सरकार के डिपार्टमेंट बहुत लोग काम करते हैं, वो सरकार के साथ सामंजस्य बना के काम करते ही है, तो इन्होंने भी वैसे ही किया कि भाई जो सरकार ने जो ऑर्डर दिया, जो जन कल्याण की योजनाएं दी, अंतिम छोर पे पंक्ति पे व्यक्ति बैठा था उसको मुख्य धारा में लाने का कार्य किया ही था, वैसा ही कार्य हम करते आ रहे थे। फिर उसके बाद सरकारें बदलती है, वो कहते हैं कि भाई इस पार्टी के इसलिए हटा देंगे, 31 तारीख का अल्टीमेटम देकर सब रोजगार। वो आप देखो महात्मा गांधी प्रेरक वाले 50,000 उनका ही भर्ती अभी आपने देखा होगा हाल ही में, उनको भी निरस्त कर दिया है। ये आप इनको 5,000 लोगों के हिसाब से मत देखो, इन 5,000 लोगों के पीछे जो 50,000 का परिवार है उस रूप में देखो, उनकी आजीविका चल रही थी, अब कैसे क्या होगा, कईयों के छोटे बच्चे हैं, कई जो है एकल नारी है, कई कैसे है, कैसे अपना घर चला रहे हैं, वो बड़े ही दुखी है। अब वो सब यहाँ काम धंधा, अभी वो नौकरी पे है नहीं, वहाँ भी उनकी छुट्टी लग रही है, पैसे कट रहे हैं उनके, क्योंकि सरकार ने तो उनको 31 का अल्टीमेटम दे दिया है। अब यहाँ के बैठ गए, कहीं उसे उधार लेके पैसे, कोई जैसलमेर बाड़मेर बांसवाड़ा से यहाँ आ रहे हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, यहाँ देखो आपकी यहाँ कमरा भी लिया, खाना भी लिया, पैसे भी है, हर चीज़ देखो। अब इसके लिए क्या कहूँ, युवा जो है लगातार कह रहा है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जो 300 से 350 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है, लगातार आप बैठे हुए धरने पर, कौन सी योजना है जिसको बंद कर दिया गया? देखिए नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं एक राजीव गांधी युवा मित्र हूँ, जो कि सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है और इसमें हम यही कार्य कर रहे हैं कि जो लास्ट छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचाने का हमारा कार्य है। हम किसी सरकार के लिए कार्य नहीं कर रहे। देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे और दूसरी तरफ उन्हीं व्यक्तियों को जो एजुकेटेड हैं और उन लोगों को बेरोज़गार कर रही है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगी कि जो आपने ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप को रद्द किया है, इसे आप दोबारा पुनः बहाल करें, ताकि हम जो 5,000 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, सिर्फ ये 5,000 व्यक्ति ही नहीं है, ये 5,000 युवा नहीं हैं, इनके पीछे उनका परिवार पल रहा है,
देखिए बहुत सारी हमारी इस संघर्ष में, ये जो हम यहाँ बैठे हैं अभी अनशन पे, इसमें सिर्फ पुरुष या लड़के ही नहीं आए हैं, उनमें महिलाएं भी आई हैं, कुछ बालिकाएं भी आई हैं जो बहुत दूर दराज से आई हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार बहुत ही जल्द हमारे पक्ष में इस निर्णय को सुनाए, और यही बस सरकार। महिला भी यहाँ पे पहुँची हैं जो युवा मित्र के रूप में कार्यरत थी, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक युवा मेरे साथ मौजूद है, युवती। मैडम कहाँ से आए, क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम सुनीता कुमावत है और मैं यहाँ जयपुर से लोकल हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 25 तारीख को जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने एक राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम को निरस्त करने का निर्णय दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी इन सबसे कि जो 5000 युवा मित्र लगे हुए हैं, इनके पूरे परिवार पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, उनके बच्चों से लेके उनके बीवी बच्चे सब पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। और यही नहीं, जो अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, उन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं है जिनके द्वारा उनको जानकारी पहुँचे, वहाँ तक हम डोर टू डोर जाके उन लोगों को जानकारियाँ देके और हम खुद स्वयं वहाँ उनको ले जाके और उनको लाभ दिला रहे हैं। तो हम यही सरकार से विनती करते हैं, जो RYM इंटर्नशिप है उसको बहाल करें। क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि लगातार 24 घंटे ज़्यादा समय बीत गया है, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं वार्तालाप करने की, बात नहीं हो पा रही, आगे रणनीति क्या रहने वाली है आपकी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो? सर, अगर हमारी सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी, RYM को बहाल नहीं करेगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन की लगातार अनवरत जारी होने की चेतावनी दे दी है। युवती थी, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी नहीं मांगी माने मांगे नहीं मानी तो कहीं ना कहीं वो सड़कों पर उतरेगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कुछ और भी अवसर महिलाएं मौजूद है, उनसे बात। मैडम कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर से ही हूँ। क्या पूरा मामला है, लगातार आप धरने पे बैठे हो? बिल्कुल, मामला यही है कि भाई जब हमें प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जब हमें इस प्रोग्राम में लिया गया है, तो हमारा जो प्रोग्राम है अचानक सरकार ने रद्द करके हमें बेरोजगार कर रही है। तो बेरोजगार होकर हम जाएंगे कहाँ? एक बात बताओ, जब जनता की सरकार ही नहीं सुनेगी तो जनता किसके पास जाके विनती करेगी? अभी तो हम शांतिपूर्वक विनती कर रहे हैं, कल को हो सकता है युवा है जोश जोश में कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तो क्यों ना शांतिपूर्वक जनता के, जो उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर को सरकार दोबारा से विचार विमर्श करे और इन बेरोजगार युवाओं की सुने, ताकि इन बेरोजगार युवाओं की सुनेगी तो इनके पीछे जो परिवार है और जो राहत पहुंचने वाले व्यक्ति है, अंतिम छोर पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसको राहत मिल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं आशा जगेगी कि कोई ना कोई जो है वो हमारे लिए सरकार की योजनाएं लेकर आएगा, हमें बताएगा और हमें उससे लाभ मिलेगा। सर, क्या विशेष रणनीति रहने वाली है? लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है, वार्ता नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सर, रणनीति तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक सरकार हमारी बात पे गौर नहीं कर लेती है या हमें हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुना देती है, तब तक हम यहीं पर रहेंगे चाहे कितने ही समय बीत जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक सरकार साथ दे रहे हैं सरकार का, तो सरकार को भी अपनी बात पे गौर करना चाहिए और हमें ये ठप्पा ना लगाए कि हम कांग्रेस के हैं या हम किसी के हैं। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें उस नज़र से देखें कि हम सरकार के लिए जब एक साथ होकर काम करना चाह रहे हैं तो सरकार भी हमारे पक्ष में फैसला सुनाए। बिल्कुल, महिला ने जैसे बताया कि सरकार को भी कहीं ना कहीं अभी शांतिपूर्ण जो धरना दिया जा रहा है उसका समर्थन को देखते हुए अपना जो विचार है या जो परमिशन जो डिसीजन दिया था उस पर पुनः विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो है अब टेंशन में आने वाली है, क्योंकि युवा सड़कों पर उतरने लग गया है, लगातार जो 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है, युवा अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, किस प्रकार से ठंड में उनको रहने के लिए, खाने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी शहीद स्मारक पर लगातार बना हुआ है कुछ। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, शायद वो कैमरे के सामने कतरा रही हैं, क्या विशेष पूरा मामला है, कब तक आप धरने पर डटे रहेंगे? देखिए सर, पहली तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई भी योजना है वे आम जनता तक पहुंचे, उनका ये टारगेट है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी उन्होंने यही कहा था कि आम जनता तक सरकार की योजना पहुंचे, लेकिन उनको पहुंचाने का कार्य हम कर रहे थे और हमें भी बाहर निकाल दिया, अपनी इस भर्ती से बाहर निकाल दिया, तो आम जनता तक फ़ायदा कौन पहुँचाएगा? पहली तो बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि हम भी चले गए तो हमें रोजी रोटी जो सरकार दे रही थी वो भी आपने छीन ली, हमारे भी पैर काट दिए, तो हमें हमारे परिवार को रोजी रोटी देने वाला कौन है, ये बताइए। क्या विशेष रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब लगातार आप कोशिश कर रहे हैं बात करने की सरकार से, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, आगे रणनीति क्या रहने वाली है?
आगे रणनीति रही रहेगी कि जब तक सरकार भजन लाल जी सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम यहीं रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमारे जो कदम है वो पीछे नहीं हटेंगे। हम यही कहना चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, आपका यही आभार है। अगर आपने हमारी मांगे पूरी कर दी तो आपकी जो भी हम आपका जो एहसान है वो ज़िंदगी भर भूलने वाले नहीं है, हमारा यही उद्देश्य है सर। क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए सर, जो भी वैकेंसी होती है वो एक प्रोसेस के तहत होती है, ये भी वैकेंसी भी प्रोसेस के तहत हो रही है। हमारे इंटरव्यू लेने वाले आरएएस अधिकारी थे, कॉलेज लेक्चरार थे और भी गवर्नमेंट कर्मचारी थे, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से, तो एक ही पार्टी का बताकर हमें दरकिनार किया जा रहा है तो ये तो गलत है ना। हाँ हम तैयार हैं, हम हट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार में जो भी आरएएस लगे हैं, एलडीसी लगे, ग्राम सेवक लगे हैं, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हैं, उन सबको भी हटा दो, फिर हमें संतुष्टि हो जाए, क्योंकि वो भी वही प्रोसेस से गुजर के आए, हम भी उसी प्रोसेस से गुजर के आए, हमारे भी वही क्वालिफिकेशन है। अब मैं मेरी बता देता हूँ आपको, एमकॉम है, एमए, बीएड और एलएलबी है, कोई क्वालिफिकेशन में तो हमारी कमी नहीं है, और इसमें ग्रेजुएशन तो मिनिमम रखी थी, सब ने टेस्ट पास किया है, इंटरव्यू पास किया है, एसटीएम वगैरह इन सब के अधिकारियों के बीच में ये इंटरव्यू लेने वाले थे, कोई जेक वगैरह तो था नहीं, पूरी 2 साल की इंटर्नशिप का ये कार्यकाल बताया गया था हमें, अभी तो 3 महीने हुए हैं, जो 2500 जो बाद में वैकेंसी निकल गई उनको 3 महीने हुए, कोई स्टैम्पेंट वगैरह, कोई सैलरी वगैरह नहीं आई है। अगर ये मांग अगर नहीं अगर मानेंगे हमारी तो इतने दिन भी तो बिना पैसे पर काम कर रहे थे, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम सब के सब फिर से उन्हीं घरों में जाएंगे, सब के सब हमारे जो गांव वाइज जो अलॉट हुए हैं उन सब में जाएंगे, आज के दिन आप जाकर वहां से पूछिए, सब के सब हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, एसटीएम हो चाहे कलेक्टर हो चाहे सबके पास, हमारे पास जो ज्ञापन देने के लिए गए हैं तो वो गाँव से भी हमारे साथ लोग गए हैं, वहाँ से जुड़े हैं, तो वो भी धरने पर बैठने के लिए तैयार है। अब आज के पेपर आपको दिखाता हूँ, उसमें सरकार ने लिखा है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार ये फौजी कर्मचारी फौजी करेंगे, तो क्या देश की रक्षा के लिए फिर कौन बैठेगा वहाँ? जब फौज वालों को आप प्रचार के लिए लगा रहे हो तो जो युवा मित्र लगाए पहले इनके साथ में न्याय कर दूँ, इनको क्यों उठा रहे हो? ये बीजेपी सरकार की जो योजना चल रही है आयुष्मान युवा मित्र, उसमें ले लो ना, कि राजीव गांधी नाम से तो प्रॉब्लम है ना आपको, तो राजीव से हटाकर जो आयुष्मान युवा मित्र जो चल रही है वर्तमान में केंद्र सरकार की, तो उसमें ले लो ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमें जब महंगाई राहत कैंप लगा था तो उसमें भी हमने ड्यूटी दी है, अब जब उसमें से ड्यूटी हटाकर बीजेपी सरकार आने के बाद जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है तो उसमें भी हमारी ड्यूटी लगाई है 26 जनवरी तक, फिर अचानक से नोटिस निकाल देते हैं कि इनको हटा दो, और जो हमसे बॉन्ड साइन करवाया गया था उसमें साफ साफ ये भी लिखवाया था गवर्नमेंट ने कि इनको उठाएंगे तो पहले इनको सर्टिफिकेट जारी होगा, पूरे एक प्रक्रिया के तहत इनको पूरी सूचना दी जाएगी, ना कोई सूचना है ना कोई, और ऐसे अचानक से हटा दिया, 5,000 को नहीं 5 लाख को बेरोजगार कर दिया, एक महात्मा गांधी को 50,000 को उठा दिया, 50,000 वॉलेंटियरों को उठा दिया, 5,000 इनको उठा दिया। सरकार ने बोला था कि 2.5 लाख कर्मचारियों को रोजगार देंगे, पहले 4 लाख को बेरोजगार करके फिर 2.5 लाख को भर रहे हो, क्या से रोजगार दे रहे हो आप? बिल्कुल, युवा जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ गए, एक और भी जुड़ चुके हैं सर, किस प्रकार देखते हैं मामले को पूरे को? मामला सरकार ने बिल्कुल हमारे युवा मित्रों के खिलाफ बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक दुर्भावना पूर्वक कार्य किया है। हम तो एक सरकारी प्रोसेस के थ्रू लगे थे, जिस प्रकार एग्जाम देते हैं इंटरव्यू होता है उस अकॉर्डिंग हम लगे थे, विज्ञप्ति आई सरकार की तरफ से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के थ्रू, तो हमने वहाँ पर इसको अप्लाई किया है, फिर हमने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, फिर हमने ज्वाइनिंग हुई है, हमारी ट्रेनिंग हुई है प्रोसेस से, और हमारी पूरी मॉनिटरिंग सरकारी अधिकारी करते हैं, हम कोई किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के हैं उनके हैं, हम तो सरकार के साथ हैं, सरकार कांग्रेस की थी तो उनकी योजनाओं का, केंद्र सरकार की मोदी सरकार की योजनाओं का सबका हम विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार कर रहे थे, अंतिम छोर पर बैठे हुए गाँव ढाणी तक हमने पैदल घर घर जाके उनको योजनाओं का लाभ दिलाया, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है किसान सम्मान निधि और अनुपूर्ति कोचिंग योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा चिरंजीवी योजना है, सब योजनाओं के हम लोगों को अनपढ़ लोगों को हमने बताया कि ये सरकार की योजना है आप इनसे जुड़ो, तो ये इस प्रकार का फैसला लेके सरकार ने हमारे 5,000 युवाओं के साथ अच्छा नहीं किया है। जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेंगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे और लगे रहेंगे। युवाओं ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, चेता दिया है भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार को कि कहीं ना कहीं युवा बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हें चेतावनी दे दी है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं इनका खामियाजा जो युवा नाराज है आक्रोशित होकर यहाँ पे धरने पे बैठा है, तो युवा कहीं ना कहीं सत्ता पलट सकता है, बाजी पलट सकता है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और युवाओं के दम पर ही एक कहावत है कि जवानी जिस तरह चलती है हवा पूरा जमाना उस तरह चलता है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है आक्रोशित है, इसका आक्रोश कब आंदोलन का रूप ले ले ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।